हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है और विश्व के डिफेंस मार्केट में इंडिया के इक्विपमेंट्स और हथियारों की जो मांग है वो भी हर साल बढ़ रही है। तो इसी बीच आर्मेनिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आर्मेनिया के द्वारा अपने Su-30 SME फाइटर के लिए इंडिया के VBR मिसाइल को परचेस किया जा सकता है और VBR मिसाइल के साथ साथ वो गाइडेड वो अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी परचेस कर सकते हैं अपने Su-30 SME फाइटर के लिए। आर्मेनिया के द्वारा जिस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भारत से लिया जा सकता है वो भारत के इंडिजीनियस मिसाइल अस्त्रा Mk-1A है और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मीडियम रेंज की है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 110 किलोमीटर और इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आर्मेनिया ये सोच रहा है कि वो भी अपने Su-30 SME फाइटर को इस मिसाइल से इक्विप्ड कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मेनिया भारत के अस्त्रा Mk-1A मिसाइल को क्यों परचेस करना चाहता है। तो हम आपको बता दें कि जब आर्मेनिया के द्वारा रसिया से ये Su-30 फाइटर को परचेस किया गया था तो उन्होंने इसके साथ मिसाइल्स के पैकेज को नहीं खरीदा था, यानी उन्होंने सिर्फ फाइटर को खरीदा था। और यही कारण था कि जब उनका अजरबैजान के साथ युद्ध हुआ तो वो अपने इस Su-30 फाइटर को अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके और अजरबैजान के जो ड्रोन्स थे और उनके MiG-29 फाइटर्स थे उन्होंने आर्मेनिया को काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज पहुंचाई। लेकिन अगर आर्मेनिया के Su-30 में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लगी होती तो वो अजरबैजान के फाइटर्स के ऊपर आसानी से डोमिनेट कर सकते थे और जो अजरबैजान के ड्रोन्स हैं उन्हें भी आसानी से शूट डाउन कर सकते थे, तब युद्ध का सिनेरियो कुछ और ही होता। हालांकि जो आर्मेनियन एयरफोर्स हैं उनके पास सिर्फ 4 Su-30 हैं और 4 Su-30 को ही उन्होंने रसिया से परचेज भी किया था। लेकिन जो अजरबैजान की एयरफोर्स है वो भी बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, वो ऑपरेट करते हैं 15 MiG-29 को। अगर आर्मेनिया के जो Su-30 हैं वो फुल इक्विप्ड होते बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से तो वो इन 15 MiG-29 पे भी भारी पड़ सकते थे और आर्मेनिया की एयरफोर्स हो सकता था कि अजरबैजान के ऊपर डोमिनेट कर सकती थी। लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके के मिसाइल्स को इन Su-30 के लिए नहीं परचेस किया था, इसीलिए युद्ध में ये Su-30 सिटिंग डक बन के रह गए। बाद में इनके जो लीडरशिप है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इस Su-30 फाइटर्स के साथ मिसाइल्स को नहीं परचेस किया है और उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि इन Su-30 को VBR मिसाइल से इक्विप्ड करने के लिए भारत के VBR मिसाइल को ले सकते हैं। हालांकि आर्मेनिया के द्वारा ऐसे किसी भी तरीके के ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आर्मेनिया के मीडिया में ये खबर काफ़ी तेजी से चलाई जा रही है कि आर्मेनिया के द्वारा भारत से VBR मिसाइल्स को परचेस किया जाएगा। और उनका तो ये भी कहना है कि आर्मेनिया भारत से गाइडेड व अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी इस Su-30 फाइटर्स के लिए खरीद सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी Su-30 MKI फाइटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर हैं ये आर्मेनिया के Su-30 SME फाइटर से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो दोनों फाइटर्स में कॉमन हैं और इसीलिए आर्मेनिया को लगता है कि वो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स को अपने Su-30 SME फाइटर में इंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI में इंडिया का खुद का बनाया हुआ मिशन कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो अपने इंडिजीनियस वेपन्स को आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर सकता है। जबकि जो आर्मेनिया का Su-30 SME फाइटर है उसमें रसिया के मिशन कंप्यूटर लगे हुए हैं, इसलिए उसमें इंडिया में बने हुए वेपन्स को लगाया जा सकता है या नहीं ये अभी कह पाना कुछ मुश्किल है। लेकिन आर्मेनिया जैसे कई सारे ऐसे देश हैं जो इंडिया में बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेस करना चाहते हैं और इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग देशों को दिया भी गया है। हम आपको बता दें कि इंडिया अपने तेजस फाइटर जेट्स को भी अलग अलग देशों को ऑफर कर चुका है और हो सकता है कि भविष्य में कुछ देशों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट को भी परचेस किया जाए। तेजस एयरक्राफ्ट के अलावा भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स को भी बहुत सारे देश परचेस करना चाहते हैं और कई सारी देशों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। उसके साथ ही साथ भारत के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका और भारत के द्वारा विकसित की गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस इक्विपमेंट्स को कई सारी देशों के द्वारा खरीदने को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।